हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्य समिति की बैठक में शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मंडल के पदाधिकारियों एवं युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को टिप्स दिए और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी की मंडल की कार्य समिति की बैठक है और बल्लभगढ़ मंडल की है। इसमें सभी समिति के सदस्य करें पदाधिकारियों की बैठक, संगठन को किस तरह मजबूत रखा जाए और संगठन ही सबसे बड़ी है जी, और भारतीय जनता पार्टी का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन जी, और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री आदर नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और संघ प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के मंडल से लेकर ऊपर तक सब कार्यकर्ताओं के नेतृत्व काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का। सेक्टर 2 के वीटा मिल्क प्लांट पर छिड़े विवाद पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्लांट को कॉलोनी और सेक्टरों के बीच से हटाया जाएगा। लोगों की सुरक्षा को लेकर नगर निगम की करीब 16 एकड़ भूमि पर बने वीटा प्लांट को ग्रामीण एरिया व आईएमटी एरिया में ले जाने की बात चल रही है। आबादी एरिया से वीटा के प्लांट को हटाने के बाद नगर निगम की इस जमीन पर स्कूल, अस्पताल और बच्चों के लिए स्टेडियम बनाए जाएंगे। कि मैं वीटा प्लांट को किसानों को, दूध विक्रेताओं को मैं तंग करना नहीं चाहता जी। मेरा ये कहना है वीटा का जो मेरा प्लांट है ये आईएमटी में, आईएमटी के साथ किसी भी जहां पंचायत की जमीन है और हम देख रहे हैं कि आईएमटी में उनको जगह मिले, कहीं पंचायत की कोई जगह मिले तिगाम क्षेत्र में या प्रथला क्षेत्र में जगह है वहाँ पे प्लांट लगे और लोगों के आने जाने की सुगम रास्ते होंगे और वहीं जो ग्रामीण आंचल से दूर आता है उन लोगों को लाभ मिलेगा। अब कुछ लोग जो 16 एकड़ जमीन है, निगम की जमीन है और सबसे बड़ी परेशानी है कहीं पे बॉयलर फटने का डर रहता है, कहीं गैस लीक होती है और सबसे ज़्यादा हालत खराब रहती है कि सप्लाई वाले ट्रक हैं वो लाते हैं, कहीं लोडिंग करते हैं। पिछली बार भी देखा गया था कि गैस लीक हुई, सारी कॉलोनी खाली हो गई थी जी। एक बार एक्सीडेंट हुआ, 2 बच्चे यहाँ पे मारे गए थे एक्सीडेंट में। हम बल्लड़ के लोगों की सुख सुविधा को देखना है और ये निगम बल्लड़ के 16 एकड़ निगम की जमीन है। हम 5 एकड़ में हॉस्टल बनाएंगे, 5 एकड़ में ऑडिटोरियम बचाएंगे बच्चों के और 5 एकड़ में एक हम स्कूल बनाएंगे कि जो हम महिलाएं स्कूल में शिक्षा मिले बच्चों को। हमको ये नहीं कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं कोई जरूरत है कि बल्लड़ के लोगों को लाभ मिले, बल्लड़ की कॉलोनी के लोगों को लाभ मिले। और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर बैठकें कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।